लेट्स गो। ये क्रॉस कैसे करूं? भगवान को भी यही चाहिए था कि मैं एंजॉय करूं। बंजी 148 किलोमीटर। मेरा जो पीछे का टायर है पूरा फिशटेल हो रहा है। See the color of the water. This place where we found this petrol. Wow, this is like amazing. It was like love at first sight. So ये जो गंजीफा कार्ड है, ये सब hand painted है। Mountains, sea, trees, greenery, road, and bike. What else do you need? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 6 नवंबर है और अभी बजे है 7:30। काफ़ी खूबसूरत सी सुबह हुई है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। बैकग्राउंड में कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे, बट अभी शांत हो गए। सो अभी मैं हूँ मोरजिम बीच पे। बीच तो सब सेम ही लगते हैं, हर एक बीच का एक वाइब होता है जिसके लिए आपको वो बीच पे आना पड़ता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मोरजिम बीच। देखिए, काफी लोग हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं। हम जिस चीज के लिए आए वो तो हमें दिख नहीं रही है, शायद किधर दूर जाना पड़ेगा। समझदार समझ गए होंगे। वहां पर लोग योगा कर रहे हैं और ये डॉगी भी अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये फॉरेनर्स यहाँ पर योगा कर रहे हैं, इट इज गुड टू सी। सो गाइस, अभी बजे 9:30 और हम निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। देर इज़ दिस प्लेस ग्रैटिट्यूड कैफ़े, जो मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था। वीगन फूड मिलता है वहाँ पर, मेरा फेवरेट है एंड आई एम एक्साइटेड टू हैव ब्रेकफास्ट वो देयर वंस अगेन। दिस इज़ इन अंजुना बीच। अभी हम मोरजिम में हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 मिनट लगेंगे हमको पहुँचने के लिए। सो हमारी बाइक्स वगैरह सब रेडी है। वहाँ से फिर प्लान है कि ब्रेकफास्ट के बाद हम जाएंगे रॉयल इनफील्ड शोरूम। वहाँ पर छोटा सा मेरा जो ग्लिच है वो ठीक करना है बाइक में, एंड उसके बाद थोड़ा इधर उधर घूमेंगे, कलंगुट बीच, वाघा बीच, अंजुना, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है मोनांग को, तो वो करेंगे। सी यू अराउंड। सो हम पहुँच चुके हैं ग्रैटिट्यूड कैफ़े। आई बीन हियर वंस, ये मेरा सेकेंड टाइम है एंड दिस इज़ वीगन प्लेस। सो आपको मिल्क नहीं मिलेगा, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, बट यू विल फाइंड ऑल्टरनेटिव्स लाइक सोया मिल्क, कोकोनट मिल्क, एंड द टेस्ट इज ऑसम। आई बीन हियर, आई कैन टेल यू। बट अभी जब हम ऑर्डर करेंगे आपको बताएंगे क्या ऑर्डर किया। सो वी आर कॉल फॉर 4 आइटम्स। दिस इज टोफू बुर्जी, ठीक है। दिस इज ब्लैक टी, ब्लैक टी विद लेमन जिंजर टी, लेमन जिंजर टी, ओके। और 2 आइटम मंगाए हैं वो आएंगे अभी। सो ये डिनर हमें यहाँ पे ले आया है एक ग्रैटिट्यूड कैफे, एंड इट्स रियली नाइस। बहुत एफर्ट्स डाल रहा है डिनर, बहुत एक्सोटिक लोकेशंस ढूंढ के ला रहा है हमारे। तो अभी ये मेरा आइटम भी आ गया है, स्मूदी। मैं आपको बताता हूँ कौन सा स्मूदी है। अचाई बेरी स्मूदी,
लुक्स ब्यूटीफुल। मैंने पहले खाया हुआ है, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है मुझे पता है। या तो खाते हैं। ब्रंच हो गया है ग्रैटिट्यूड कैफे में। अभी हम जा रहे हैं रॉयल इनफील्ड शोरूम, देखते हैं अगर जो थोड़ा सा इशू है वो ठीक हो सकता है तो। बाकी आप गोवा की गलियां देखें। आ गया रॉयल एनफील्ड का शोरूम, राइट वहां से राइट। ये सेंसर गया हुआ है बाइक का, तो बोला कि 5-6 घंटे लगेंगे और बहुत सारा काम था उसके पास। वाज नॉट मेकिंग सेंस कि भाई मैं इतना वेट करूं। उसने लेकिन कंफर्म किया कि बॉम्बे तक जाने में कोई इशू नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं कलंगुट, बांका बीच, कैंडोलेम। बीच पर नहीं जाएंगे, बट जस्ट सामान लेना है वो लेंगे एंड फिर सोचेंगे क्या करना है, चिल करते रहेंगे। तो अभी है हम कलंगुट बांका रोड पर, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस ऐसे ही घूम रहे हैं। Good morning, friends. Let me give you the tour of the hotel where we are staying in Morjim, La Ventia Beach Resort. This is where our bikes are parked safely and securely. एकदम छोटू सा जिम भी है, but गोवा आके कौन जिम करेगा? This is the reception area. और ये मेरा दोस्त है। आज के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, सिंपली धीरेन का कोड यूज करिए और आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा और ये आज के लिए ही है 7th November। सो ये लॉन एरिया है, दिस इज द मसाज सेंटर, दिस इज द बार, दिस इज द स्विमिंग पूल and this is the breakfast area. And this is our room. और ये बालकनी भी है, व्यू नहीं है बट ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 7th November, डे 5 ऑफ द ट्रिप। अभी बजे हैं 8:30, हमको लगभग हो चुके हैं 10 से 15 मिनट होटल से निकले हुए। आज का प्लान ये है कि हम जाएंगे साउथ गोवा, वहाँ पर सलोलेम डैम है वो एक्सप्लोर करना है, और उसके पहले एक सरप्राइज़ है, देखता हूँ मैं आपको समझ में आता है कि नहीं। तो काफ़ी बहस हुई, डिस्कशन हुआ, डिबेट्स हुए कि भाई क्या करना चाहिए, साउथ गोवा में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, बिकॉज हमको रिटर्न मुंबई जाना है, तो वो भी थोड़ी प्लानिंग करनी थी। सो इवेंचुअली बहुत सारे ऑप्शंस देख के, बहुत सारे परमोटेशन कॉम्बिनेशन करके हमने ये डिसाइड किया कि हम मोरजिम में आके आज रहेंगे और फिर यहीं से कल निकल जाएंगे। काफ़ी सुंदर सा चर्च है, कौन सा है पता नहीं मुझे, बट ये हम लोगों ने 2-3 बार क्रॉस किया है, सेंट एंथनीज चर्च सीओलेम। क्या है वो रोड, स्पेशल रोड।
आया, याद आया, मस्त सॉन्ग है ये रोड के ऊपर। गेस, चलो आई काउंट थ्री एंड देन आई डिस्क्लोज कौन सा है ये। 1, 2, 3। देखो यहाँ पर शूटिंग चालू है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या स्पेशल है। इसे कहते हैं जिंदगी शूटिंग रोड। डियर जिंदगी, आलिया भट्ट और शाहरुख खान की यहाँ पर शूटिंग हुई है साइकिलिंग करते हुए। हम यहाँ पर बाइक पर जा रहे हैं। भीड़ देखिए आप, वो जो रोड था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, नहीं, डियर जिंदगी वाला जो रोड था उसे कहते हैं परा मदानी रोड। ये लोकल्स के लिए काफ़ी न्यूसेंस हो गया क्योंकि लोग काफ़ी लोग आते हैं, शूटिंग करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं रास्ते, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है। इफ़ यू प्लान टू कम, बी ए रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट एंड इंश्योर दैट द लोकल्स आर नॉट डिस्टर्ब। तो ब्रेकफास्ट का तो पता नहीं, अभी ये नारियल पानी वाला दिखा है तो वी थॉट विल हैव दिस कोकोनट वाटर, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी एंड थोड़े विटामिन भी मिल जाएंगे। अभी हम NH 66 पर हैं। ये कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ये कोकोनट ट्रीज। सो अभी 1 घंटा 15 मिनट दिखा रहा है सलोलिम डैम। आई थिंक जैसे हाईवे से हम लेफ्ट मारेंगे 10-12 किलोमीटर में, उसके बाद रास्ता अच्छा हो जाना चाहिए बाइकिंग के लिए। काफ़ी अच्छे रोड्स बना दिए गोवा में ब्रिटिश हाईवे पर। सीलिंग टाइप दिख रहा है ये मुंबई बर्ली सीलिंग। बस अपडेट, मेरा और मुनांग का रास्ता थोड़ा अलग हो गया है, हम दोनों भटक गए हैं। ही इज़ ऑन अ डिफरेंट रूट, मैं कोई अलग रास्ते पे हूँ। तो अभी ये डिसाइड किया है कि हम सीधा सलोलिम डैम पे ही मिलेंगे। तो मिलते हैं सलोलिम डैम पे मुनांग से और आपसे भी, बट आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स आएंगे तो दिखाऊँ। लेट्स सेट गोवा 37th नेशनल गेम्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट्स अ फॉरेस्ट एरिया। एक तो देख के फील आ रहा था, ऊपर से वेदर भी काफ़ी ठंडा हो गया है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, गूगल और कुछ दिखा रहा है, ये मैप और कुछ दिखा रहा है। सो सलोलिम डैम 5 किलोमीटर्स, यहाँ पर दिखा रहा है 2.5 किलोमीटर्स, यहाँ पर दिखा रहा है स्ट्रेट, यहाँ पर दिखा रहा है लेफ्ट। कन्फ्यूज टू क्या करूँ, लेट मी टेक द लेफ्ट। थोड़ा सा एडवेंचर टाइप हो रहा है, रास्ते में कोई है ही नहीं, उसको पूछ सकूँ कि रास्ता सही है कि नहीं। गूगल तो कुछ अलग ही दिखा रहा है। डैम आगे से पूरा से तीन रास्ता पे छोड़ के आए ना। हाँ ओके, इधर आया ना। हाँ अच्छा ठीक है, थैंक यू। कितना दूर है यहाँ से? इधर से होगा 3-3.5 किलोमीटर। बाप रे, घूम ही रहा हूँ मैं कब से। ठीक है, यहाँ से 3-3.5 स्ट्रेट ही है ना। ओके थैंक यू। सो हम सलोलिम डैम के एंट्री गेट पे पहुंच चुके हैं। सो देर इज एंट्री फी, अडल्ट 60 रुपीज एंड चिल्ड्रन का 30 रुपीज। काफ़ी तेज धूप है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है आपको दिखाने के लिए। तो उसके लिए आपको पता है आपको क्या करना है, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं, डैम दिखाता हूँ मैं आपको।
सिजु डैम का जो गोल गोल है उसका ऑपोजिट साइड पे अगर आप देख सकते हो तो बॉटनिकल गार्डन है, सो यू कैन विजिट देयर। तो अभी मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि बहुत कड़क धूप है। हम लोग 100 किलोमीटर राइड करके यहाँ पर आए। आई एम नॉट श्योर whether it has been worth it. हाँ, अगर आप मानसून में हो, जुलाई अगस्त सितंबर जब एकदम तेज़ बारिश हो रही है, अगर आप सुबह के टाइम पे आ गए या शाम के टाइम पे आ गए जब धूप कम है, तो शायद आपको अच्छा लगे। सो दैट वुड बी माई ऑनेस्ट फीडबैक ऑन सैरोलियम डैम। काफ़ी यूनिक है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर whether it is worth the effort. See, the good part about this dam is काफ़ी peaceful है, इट्स इन दी फॉरेस्ट एरिया, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बट हाँ, वेदर ने पूरा का पूरा ड्रेन कर लिया है, सो थोड़ा मज़ा ख़राब हो गया है। या बट जैसे मैं आपको बताया कि अगर आप बारिश के टाइम पे आ रहे हो अर्ली मॉर्निंग व्हेन सूरज इतना निकला हुआ नहीं है, या शाम के टाइम पे, देन मे बी यू विल हैव अ बेटर एक्सपीरियंस। बट नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा स्पेसिफिकली इसलिए आना, आई डोंट थिंक दैट वाज वर्थ इट। इफ़ यू आर इन साउथ गोवा, आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, बोर हो रहे हो, टाइम है, मौसम सही है, तो फिर थोड़ा एडवेंचर करने के लिए आप आ सकते हो। प्लान में थोड़ा शिफ्ट है, वी वर प्लानिंग टू गो टू पेलोलम बीच, वहाँ पर थोड़ा साउथ गोवा एक्सप्लोर करते हैं। बट अभी ऐसी एक दुविधा आ गई है जिसकी वजह से हमें मोरजुम वापस जाना पड़ेगा। तो मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ क्या है वो, बट जाना पड़ेगा। चलो तो ये है सिर्फ आज का दिन, बाकी तो फिर अभी लगता नहीं कि कुछ और होगा देखने लायक। बाकी तो हम जाके गोवा में, नॉर्थ गोवा में जाके चिल करेंगे। कल का प्रोग्राम क्या है मैं रात को सब डिसाइड करके फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अभी इशू ये हो गया है कि यहाँ पर बारिश गिर रही है। साले तेरे पास ही है क्या? हमारे पास भी है। मार्क पे शॉट। मेरा जो पीछे का टायर है पूरा फिशटेल हो रहा है। एक बार तो गिरते गिरते बचा मैं, पता नहीं और कितना लंबा रास्ता है। सही है, GoPro stop recording.